अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, रिंगस का जवान जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ। सीआरपीएफ जवान जम्मू के सुपोर में शहीद हुआ है। बावड़ी गांव के रहने वाले थे दीपचंद वर्मा। गांव में शोक की लहर है, मातम पसरा हुआ है। ये परिजनों की हालत आप देखिए। और सीकर के रिंगस गांव की तस्वीरें आपके सामने हैं। गाँव, पूरे गाँव में शोक की लहर है, लोग मातम में डूबे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में वो तैनात थे और सीआरपीएफ जवान दीपचंद वर्मा जो शहीद हुए हैं, उसके बाद से ही परिजन बेहद दुखी, और ना सिर्फ परिजन बल्कि पूरे गांव के लोग, पूरे इलाके के लोग बेहद शोक में हैं। जब से ही ये खबर उनको मिली है, शहादत को देश हमेशा से सलाम करता है, और यहां पर भी जब खबर मिली कि दीपचंद वर्मा अब नहीं रहे तो पूरे गांव में एक तरीके से मातम छा गया। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ रमेश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रमेश, अभी हालांकि क्या स्थिति है वहां पर, ये आप पहले बताएं, और कब तक वहां पर पार्थिव शव पहुंचेगा जवान का? बिल्कुल दीपा, बताना चाहूंगा कि शहीद के अगर शोक की लहर है, क्योंकि एक जवान बेटा खोते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरा परिवार है वो शोकमग्न है। और इसी के साथ ये भी बताना चाहूंगा कि जहां तक अंत्येष्टि की बात है, अभी सेना के अधिकारियों से पूरा परिवार संपर्क में है। उनकी पार्थिव देह सीकर पहुंचेगी, इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि होगी। लेकिन जिस तरीके से घर में गमगीन माहौल है, एक जवान बेटे ने देश के लिए शहादत दी है, शहीद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है पूरे गाँव में एक शोक की लहर है। दीपा, बिल्कुल रमेश, और मैं चाहूँगी ज़रा आप ये भी बताएं कि जो शहीद जवान हैं उनके घर में कौन कौन हैं, कैसी अभी वहाँ पर स्थिति है। और कहा यह जा रहा है कि जैसे ही खबर मिली, ना सिर्फ परिवार, ना सिर्फ परिजन बल्कि पूरे इलाके के लोगों में शोक की लहर, पूरे इलाके के लोग भावुक हुए। अभी कैसी स्थिति वहाँ पर? बिल्कुल दीपा, बताना चाहूंगा कि इनका सीकर जिले के बावड़ी गांव है, जो पैतृक गांव है उनका, वहीं उनके रामदेव जी के मंदिर के पास इनकी पुश्तैनी मकान है, वहीं अंतिम संस्कार होगा। साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि इनका जो परिवार है, इनके तीन बेटे बेटियां हैं जो अजमेर में सेना क्वार्टर में रहते थे। पिता की हाल ही में हार्ट अटैक के दौरान मौत हुई है, और बाकी जो परिवार के जो लोग हैं, चाचा ताऊ हैं, वो अपने पैतृक गांव में रहते हैं। तो अब पूरे लोग हैं वो पहले वहां पैतृक गांव पहुंचेंगे, इसके बाद सेना इनके राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होगी। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो उनके घर में हैं, और कहीं ना कहीं है कि ये कहा जा सकता है कि परिवार को है वो शहादत जिस परिवार ने दी है, तो काफी लोग हैं वो उनके घर में पहुँचना शुरू हुआ है। दीपा, रमेश, कोई वक्त बताया गया है कितने बजे तक शव वहां पर, पार्थिव शव वहां पर पहुंचेगा, और अंतिम संस्कार का कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा कल? दीपा, कल दोपहर तक ये संभावना है कि उनका पार्थिव देह पहुंचेगा, और इसके बाद यही बताया जा रहा है कि कहीं कल शाम तक शहीद की जो है वो अंत्येष्टि होगी, अंतिम यात्रा यहाँ शहीद की निकलेगी। लेकिन अभी सेना के अधिकारियों का जो एक समय है, टाइम टेबल है पार्थिव देह लेके पहुंचने का, वो अभी तक नहीं पहुंचा है। दीपा, रमेश, वहाँ आसपास के लोगों से आपकी बात हुई हो, हालांकि अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि परिजन कुछ भी बोलने की हालत में हो, लेकिन फिर भी जब भी हम देखते हैं कि कोई शहीद जब अपनी शहादत देता है तो लोगों के भीतर देशभक्ति की भावना उमड़ कर सामने आती है। वो कहते हैं कि शहादत भले ही हुई हो लेकिन देशभक्ति के लिए, देश के लिए ये शहादत कुछ भी नहीं है। आपने वहाँ लोगों से बात की, उनकी मनोस्थिति क्या है? बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि दीपचंद जो शहीद हुए हैं वो अपने सात भाई बहनों में अकेले हैं, और शुरू से ही इसमें देश का सेना में भर्ती होने का एक जज्बा था। उनके परिवार के लोगों ने बताया कि वो सेना में भर्ती होना चाहते थे, और उन्होंने अपना जज्बा पूरा किया, सेना में भर्ती हुए और देश की सेवा करते करते शहीद हुए। तो शुरू से उनकी एक देशभक्ति थी, एक देश के प्रति उनका प्रेम था, और आज वो देश के लिए शहादत उन्होंने दी है। दीपा, चलिए, बहुत शुक्रिया रमेश आपका तमाम जानकारियों के लिए, और ये बताने के लिए कि कल ही अंतिम संस्कार किया जाएगा, कल दोपहर के बाद वहाँ पर पार्थिव देह पहुँचेगा, और उसके बाद जो तमाम कार्यक्रम है अंतिम संस्कार के लिए वो शुरू किया जाएगा। हालांकि पूरे गांव में आप देखिए तस्वीरें भी ये बता रही हैं कि किस तरीके से वहाँ पर मातम पसरा हुआ है, लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं। लगातार आप देखते हैं कि जब भी जम्मू कश्मीर से या फिर अलग अलग हिस्सों से जवान के शहीद होने की खबरें निकल कर सामने आती हैं तो लोगों में मातम के साथ ही एक राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना भी उमड़ कर सामने आती है, और वही तस्वीरें सीकर के रिंगस में भी देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर भी शोक स्तब्ध है, पूरा परिवार, परिजन, पूरे गांव के लोग मातम में हैं, परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का कहना यह है कि शहादत को वो सलाम करते हैं, नमन करते हैं, और लगातार जो देशभक्ति की भावना है वो चाहते हैं कि वो सभी के
दिलों में, सभी के जहन में जिंदा रहे। और इसी पर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर में सीआरपीएफ पर हुए आतंकी हमले की निंदा करता हूं, जिसमें एक जवान शहीद हो गया, एक नागरिक की जान चली गई और 3 जवान घायल हो गए। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना, हम उनके साथ खड़े हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो मजबूत रहें, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। ये सूबे के मुखिया अशोक गहलोत का ट्वीट है, जो आतंकी हमला हुआ सुपोर में उसमें दीपचंद वर्मा को राजस्थान ने खो दिया, जिसके बाद से खुद यहां के मुखिया ने ट्वीट किया है, सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और साथ ही जो घायल हैं, जो जख्मी हैं, उनके भी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। और लगातार हर तरफ से यही कहा जा रहा है, आप देखते हैं कि लगातार आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक, हालांकि माकूल जवाब सेना की तरफ से भी उनको मिल रहा है। और इसी बीच हमने भी अपने जवान खोए हैं, जिसमें से एक दीपचंद वर्मा राजस्थान के भी हैं।